ओम आंजनेयाय नमः, ओम महावीराय नमः, ओम हनुमते नमः, ओम सर्वदुखहराय नमः, ओम श्री रामाय नमः। भगवान श्री राम एवं श्री राम सेवक श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुडलक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कपादृष्टि हमेशा बनी रहे, आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से आप अपने फोन उठा लीजिए और कीजिए हमारा नंबर डायल। हमारा नंबर आपके टीवी स्क्रीन में नीचे फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ सहयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का लाइव निशुल्क समाधान करने की बात हो, सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 10 साल से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ योग। दोस्तों आज मंगलवार का दिन है, दिनांक 28 नवंबर सन 2023, माघशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की आज प्रतिपदा तिथि है। आज अशून्य शयन व्रत किया जाएगा एवं रोहिणी व्रत आज के दिन ही किया जाएगा। आज दोपहर 2:05 से संपूर्ण दिन रात्रि राजयोग एवं द्विपुष्कर नामक अति शुभ योग विद्यमान रहेगा। जानते हैं आज का राहु काल का समय। आज दोपहर 2:54 से सायंकाल 4:14 तक राहु काल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना है। जानते हैं आज का दिशाशूल। मंगलवार को आपके शहर से उत्तर दिशा में दिशाशूल रहता है। तो यदि आज आप अपने शहर से यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं उत्तर दिशा की तरफ, तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा गुड़ खाकर निकलेगा, निश्चित तौर पर यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज प्रातःकाल 9:35 से दोपहर 1:34 तक चर लाभ अमृत का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:53 से दोपहर 12:36 तक रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का दैनिक राशिफल क्या कहती है। आज तकदीर आपकी, किस्मत आपकी, आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइएगा। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि अगर आप अपनी असहमित दिनचर्या को बदलोगे तभी आप अपनी लाइफ में कुछ बेहतर कर पाओगे। आपकी जो ये असहमित दिनचर्या है यही आपकी बर्बादी का कारण बनती है, तो उसको बदल डालिए तभी जाके आप जीवन में कुछ नया कर पाएंगे, कुछ अच्छा कर पाएंगे। नई सोच के साथ रोज आगे बढ़ते रहना है, सफलता आपके कदमों को चूमेगी। समाधान क्या रहेगा, हनुमान मंदिर में बूंदी का प्रसाद चढ़ाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि वक्त के सामने, समय के सामने झुकना नहीं है, वक्त के सामने, समय के सामने झुकना नहीं है। यदि झुके नहीं तो क्या करें महाराज,
वक्त से सीख लो, समय से सीख लो और उस सीख को अपने अंदर उतार कर आगे बढ़ जाओ। स्वतः ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। खुद को रिलैक्स रख कर काम करने का प्रयास करें। समाधान क्या रहेगा? हनुमान जी महाराज के चरणों का सिंदूर अपनी नाभि पर लगा के घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं कि आज रहना होगा अपने निर्णयों के प्रति सावधान। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग योर डिसीजंस। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फायदा हो सकता है, विदेशी संबंधों से लाभ हो सकता है और आज की शाम दावत में गुजरेगी। समाधान क्या रहेगा? हनुमान मंदिर में गुलाब के पुष्प की माला अर्पण कीजिएगा, निश्चित तौर पर आज का दिन बेहतरीन गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। राजेंद्र जी बीकानेर से प्रश्न पूछिए। राजेंद्र जी क्या प्रश्न? प्रणाम शुभ आशीर्वाद। बेटे के बारे में पूछना है जी, बताएं। उसका नाम है मयंक, एक तो बर्थ है 10 जनवरी 1994। वापिस बोले, 10 जनवरी 1994 समय है सुबह के 3:20 स्थान है राजस्थान। वो ये जिंदगी में सेटल नहीं हो पा रहा है, अभी कब तक सेटल होगा, किस स्कूल में जाएगा और क्या उपाय करें, थोड़ा डिटेल में बताएं। 10 जनवरी 1994 सुबह 3:20। हाँ जी, देखिए जहाँ तक बच्चे की जन्म कुंडली का सवाल है, अभी सूर्य की महादशा में राहु का अंतर खत्म हो चुका है, सूर्य की महादशा में गुरु का अंतर प्रारंभ हुआ है। ये पीरियड बाकी सूर्य में राहु के मुकाबले बेहतरीन पीरियड रहेगा। मेरा ये मानना है कि अगर नौकरी के बजाय यदि स्वयं का काम करें, खुद का काम करें, तो डेट विल बी मच बेटर। लोहा, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, हार्डवेयर, शनि से संबंधित जो भी काम हैं, यदि उसका आपको इसको शोरूम खुलवा के देते हैं तो उसके लिए बेहतरीन चीज़ें रहने वाली हैं। नौकरी की बजाय ही विल बी मोर सक्सेस इन द हिज ओन बिजनेस, अपने व्यापार में उसको सफलता ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि चंद्रमा भाग्य स्थान का चंद्रमा नीच राशि का है और मंगल जन्म कुंडली में अस्त होकर बैठा है। 6.25 रत्ती का तिकोना मूंगा सोने के अंदर अनामिका उंगली में पहना के रखें, गणेश रुद्राक्ष गले में डाल के रखें और इसका सेटलमेंट करवाना है तो नौकरी की तरफ नहीं, व्यापार की तरफ कराइए। निश्चित तौर पर इस बच्चे का जीवन सफल हो जाएगा। हमारा पूरा आशीर्वाद है आपके बच्चे के लिए। सुरेश जी कोटा से जुड़ चुके हैं, पूछिए सुरेश जी आपका क्या प्रश्न है। हेलो। हाँ जी सुरेश जी। सर हमारी बच्ची के बारे में पूछना था हमसे। बताइए तारीख समय बताएं। 8 जनवरी 1996। 8 जनवरी 1996 समय 5:25 सुबह शाम। शाम को इसकी शादी का कोई संजोग नहीं बैठ रहा साहब। देखिए जहाँ तक सुरेश जी आपकी बिटिया की जन्म कुंडली का सवाल है, दो चीजें हैं। एक तो अश्लेषा नक्षत्र का जन्म है इस बिटिया का। आशा करते हैं कि इसके पैदा होते ही 27वें दिन आपने अश्लेषा नामक गणमूल नक्षत्र की विधिवत रूप से शांति करा ली होगी। यदि नहीं कराई है तो योग्य आचार्य के निर्देशन में अश्लेषा नामक गणमूल नक्षत्र की विधिवत शांति कराइए। शुक्र की महादशा और गुरु का अंतर चल रहा है, अगले वर्ष 2024 में इसके विवाह का योग बनता है। जिस घर में जाएगी लक्ष्मी का रूप बन के जाएगी। चंद्रमा स्व राशि का है, दाम्पत्य भाव में गुरु स्व राशि का है, साथ में सूर्य और है, भाग्य स्थान में शनि स्व राशि का है, मंगल उच्च राशि का है। यदि ये बच्ची कोई सरकारी नौकरी का प्रयास करती है तो निश्चित तौर पर गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बड़ी अफसर भी बन सकती है। बहुत ही अच्छी कुंडली है, इसको विवाह के लिए आप निश्चिंत रहें, घर से मांग के ले जाएंगे इसको। इसकी कुंडली इतनी अच्छी है, 2014-24 के अंदर इसके विवाह का योग बनेगा जुलाई के पश्चात में। अच्छा सुयोग्य वर की प्राप्ति होगी। हमारा पूरा आशीर्वाद इस बच्ची के साथ में है। चलिए आपकी समस्याओं का समाधान तो कर ही रहे हैं, राशियों के कर्मफल की भी बात कर लेते हैं। तीन राशियों की बात करिए, आगे बढ़ते हैं, बाकी बची हुई तीन राशियों के बारे में जानते हैं। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक,
तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज फाइनेंशियल बेनिफिट्स मिलेंगे, धन का लाभ होगा, पॉकेट में रुपए आएंगे, बैंक में बैलेंस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ध्यान रखना होगा किस बात का, करना होगा मन लगाकर काम। जो भी काम करें मन लगाकर करें, संतुष्टि के साथ करें। और आज आपकी हार्डवर्क से, आपकी मेहनत से कमाया हुआ जो धन है वो आपको संतोष देगा, एक सेटिस्फेक्शन आपको मिलेगा कि हाँ आज मैंने मेरे हार्डवर्क से कुछ कमाया है। समाधान क्या रहेगा? हनुमान मंदिर में चोला अर्पण कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं, थोड़ा काम में दिल लगा के चल, थोड़ा काम में दिल लगा के चल, जो बची है जिंदगी उसमें मुस्कुरा के चल। थोड़ा काम में दिल लगा के चल और जो बची है जिंदगी उसमें मुस्कुरा के चल। कुछ आकस्मिक घटनाएं आज आपको हैरान परेशान कर सकती है, लेकिन आपको मुस्कुराते हुए ही चलना है। समाधान क्या रहेगा? गुड़ चने का दान हनुमान मंदिर में कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज बीते हुए लम्हों में नहीं जीना है आपको, बीते हुए लम्हों में नहीं जीना है आपको। अपने आज के लम्हों का लुफ्त उठाइए, आज के खूबसूरत पलों का आपको लुफ्त उठाना है, बीते हुए जो लम्हे हैं उसमें झांक के नहीं देखना है। पीछे देखोगे तो गिर जाओगे, तकलीफ होगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। समाधान क्या रहेगा? अनार के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, जल्दी से वापस लौटते हैं। बात कर रहे हैं दैनिक राशिफल की, कि कैसा रहेगा आज का दिन आपका, आपकी राशि के अनुसार, और दिन को अच्छा बनाने के लिए क्या उपाय करना है वो भी बता रहा हूँ। छह राशियों की बात करी, आगे बढ़ते हैं, जानते हैं तुला राशि के बारे में। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि सुबह और कामयाबी दोनों एक जैसे हैं। सुबह यानी मॉर्निंग एंड सक्सेस दोनों एक जैसे हैं, दोनों मांगने पर नहीं समय पर जागने से मिलते हैं। सुबह और कामयाबी दोनों एक जैसे हैं, दोनों मांगने पर नहीं लेकिन समय पर जागने से ही मिलते हैं। समय से जागोगे तो सुबह देखोगे और समय से जागोगे तो कामयाबी देखोगे। इसलिए सकारात्मक सोच से आप आपके दिन को अच्छा बना सकते हैं। समाधान, बजरंग बाण का पाठ कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि कैरियर में प्रमोशन, सैलरी में बढ़ोतरी, सम्मान की मिल सकती है आज आपको सौगात। निजी संबंधों में लेकिन आ सकता है बड़ा तूफान, पर्सनल रिलेशन में आज तूफान आने की संभावना है, संभल जाइएगा। और आज दिल बड़ा रखिएगा और अकल छोटी रखिएगा, दिल बड़ा और अकल छोटी रखनी है आज। समाधान क्या रहेगा? मीठे पुए गौ माता को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आज मन और मस्तिष्क इन दोनों को साफ रखिए, सुथरा रखिएगा। मन और मस्तिष्क को साफ सुथरा रखिएगा, दिन अपने आप गोल्डन डे बन जाएगा। दिल दिमाग अच्छा हो तो दिन अच्छा ही बीतेगा और आज की शाम मांगलिक कार्यों में बीतेगी। समाधान क्या रहेगा? सुंदरकांड का पाठ करके दिन की शुरुआत कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सुभाष जी श्री गंगानगर से, पूछे सुभाष जी क्या प्रश्न है आपका? नमस्कार पंडित जी। नमस्कार पंडित जी, मैं मेरे अपने लड़के के बारे में पूछना चाहता था। डेट ऑफ बर्थ टाइम बताएं। डेट ऑफ बर्थ है सर 2007, 10 मई। कौन सी मई? 10 मई। 10 मई 2007।
हाँ जी, समय शाम का 7 बजे। शाम का 7 बजे, प्रश्न क्या है? प्रश्न ये सर, मैं उसके भविष्य के बारे में पूछना चाहता था कि वो आगे क्या करेगा। देखिए, बच्चे की जन्म कुंडली वैसे बहुत अच्छी है, लेकिन 18 साल की राहु की महादशा इस बच्चे को चल रही है, और राहु सर्प जैसे चलता है, टेढ़ा मेढ़ा चलता है। इसी वजह से राहु की महादशा में 200% जब प्रयास करेगा तब जाके 100% मिलेंगे। एफर्ट्स ज़्यादा करने होंगे, प्रयास ज़्यादा करने होंगे। तो इस बच्चे को बोलिए मेहनत पूरी करे, नियमित रूप से सूर्य भगवान को जल का अर्घ प्रदान करे, काले नीले रंग के कपड़ों का प्रयोग कम से कम करें, क्योंकि एजुकेशन सेक्टर थोड़ा वीक रहेगा, शिक्षा में थोड़ा सा वीक हो सकता है। राहु की महादशा और अभी शुक्र का अंतर चल रहा है, अक्टूबर 2025 से थोड़ा सा खराब समय आएगा। वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला में करें, हरे कपड़े खूब पहने, हरी सब्जी खूब खाए, और उस सूर्य चूंकि उच्च राशि का है तो ये कुंडली ये कहती है कि एक सक्सेस स्टोरी बनेगा, लेकिन इसका गोल्डन समय 2029 के पश्चात शुरू होगा। सूर्यास्त के बाद दूध दही चावल सफ़ेद चीज़ों का सेवन इस बच्चे को नहीं कराना है, और साथ में राहु के लिए आपको ये उपाय करना, हर रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी दही इमरती चढ़ाएं, और इस बच्चे के नाम से स्ट्रीट डॉग, गली में जो कुत्ते होते हैं उनको बिस्कुट खिलाएं, निश्चित तौर पर बच्चे को लाभ प्राप्त होगा। और एक रुद्राक्ष इस बच्चे के गले के अंदर डाल दीजिए, एक मुखी या पांच मुखी या गणेश रुद्राक्ष, शिक्षा के क्षेत्र में लाभ प्राप्त होगा। मनोज जी डीडवाना से जुड़े हुए हैं, मनोज जी आपका भी प्रश्न पूछे। हाँ, प्रणाम महाराज, शुभ आशीर्वाद। मैं अपनी लड़की के बारे में पूछना चाहता हूँ महाराज जी। बताओ, आप तारीख समय बताओ। 5 जून 2011। 5 जून 2011, समय कही है? शाम के चार बजे। प्रश्न पूछो। मैं इसके पढ़ाई के बारे में पूछना चाहता हूँ महाराज, आगे भविष्य पढ़ाई के बारे में कैसा रहेगा इसका? देखो, पुष्य नक्षत्र में बच्ची पैदा हुई है मनोज जी आपकी, 27 नक्षत्रों में नक्षत्रों का जो राजा माना जाता है वो पुष्य नक्षत्र माना जाता है, और चंद्रमा स्वराशि का होके दशम भाव में बैठा है। पिता का भी घर है, नौकरी का भी घर है, पिता के लिए भी ये भाग्यशाली लड़की है, और खुद भी ये अपनी नौकरी के अंदर उच्च पद को प्राप्त करेगी। आईएएस बन सकती है, कलेक्टर बन सकती है, सरकारी नौकरी में उच्च पद को प्राप्त कर सकती है, इंजीनियर डॉक्टर भी ये लड़की बन सकती है। शनि इसका एजुकेशन हाउस का स्वामी है, टेक्निकल लाइन में यानी इंजीनियरिंग लाइन में या डॉक्टरी लाइन में बच्ची जा सकती है, और शनि की ही महादशा इस बच्ची को चल रही है। एक खराब समय इसका अक्टूबर 2023 में निकल चुका है, स्वास्थ्य का पाया थोड़ा कमजोर रहेगा, इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मांगलिक बच्ची है, लेकिन मंगल स्वराशि का, इसलिए मंगल का दोष नहीं लगता है। बच्ची की कुंडली बहुत अच्छी है, आपके परिवार का 7 पीढ़ियों का नाम रोशन करेगी। कोई बच्ची इतना आगे नहीं बढ़ी होगी जितनी ये बच्ची आगे बढ़ेगी। हमारा पूरा आशीर्वाद आपकी बच्ची के साथ है। हरे कपड़े खूब पहनाइए, हरी सब्जी खूब खिलाइए, वजन के बराबर गुड़ का दान गौशाला के अंदर हर साल इसके जन्मदिन पर अवश्य कीजिए, लाभ प्राप्त होगा। चलिए, आपकी समस्याओं के पश्चात में बाकी बची हुई 3 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। मकर राशि, मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि अपने थॉट्स में, अपने विचारों में स्टेबिलिटी, स्थिरता लाने का प्रयास कीजिएगा। स्थिर दिमाग से काम करेंगे, स्थिर विचार से काम करेंगे तो सफलता मिलेगी। दिल और दिमाग में जो उमड़ते हुए जो ख्याल हैं, उलझने हैं, उनको विराम दो, उनको बोला थोड़ा आराम करो, अभी मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, सो लो। किनको? ये जो आपके दिल और दिमाग में जो उमड़ते हुए जो ख्याल हैं फ्लक्चुएशन से, उनको रेस्ट करने दो, उनको उठाओ मत बार बार, सोने दो उनको। मौसमी बीमारियों से बचिएगा। समाधान क्या रहेगा? गुड़ का सेवन करके घर से निकलिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि बेहतर से भी बेहतर की करने की दिशा में आगे बढ़ना होगा, अच्छे से भी अच्छा करने की दिशा में आगे बढ़िएगा। आपका काम ही आपकी पहचान बनेगा, आपका नाम बनेगा, आपको यश दिलाएगा। ध्यान क्या रखना है? क्रोध करने से बचना है, गुस्सा मत करना आज। समाधान क्या रहेगा? मीठी जलेबी गरीब बच्चों को खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा।
अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि दो तरह के आभूषण, ऑर्नामेंट्स कौन कौन से, एक तो इच्छा शक्ति और दूसरा दृढ़ संकल्प। दो आभूषण, इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प, इन दोनों आभूषण को हमेशा पहन के रखिए, उनको धारण करके रहें। क्या होगा उससे? इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प, इन दोनों से आप रोडपति से करोड़पति बन सकते हैं, अंबानी के समान धनवान बन सकते हैं, नेम एंड फेम बन सकते हैं। ध्यान क्या रखना होगा? मानसिक उच्चाटन से बचिएगा। समाधान क्या रहेगा? बंदरों को केले खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। ये तो बात हुई राशियों के कर्मफल की। जल्दी से जान लेते हैं माता और बहनों के रसोई से जुड़े गुड लक टिप्स को। तो क्या कहता है आज का रसोई से जुड़ा गुड लक टिप्स, हमारी माता और बहनों का पसंदीदा गुड लक टिप्स। तो आज रसोई घर में स्नान आदि से निवृत्त होकर रसोई घर के अंदर गंगा जल का छिड़काव कीजिएगा। तत्पश्चात देशी घी के रोट बनाइएगा और मिट्टी की हांडी में उड़द की दाल पकाइएगा। देशी घी के रोट बनाने हैं और मिट्टी की हांडी में उड़द दाल पकाइएगा। दो रोट पर घी बूरा रख कर पास में कोई हनुमान मंदिर हो वहाँ भोग लगा कर आइएगा। तत्पश्चात घर के सभी सदस्यों को प्रसाद के रूप में रोट और उड़द की दाल खिलाइएगा। क्या होगा? घर के सदस्यों को यश, मान सम्मान, वैभव प्राप्त होगा। आइए जल्दी से अब जान लेते हैं आज का गुड लक टिप्स। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आप में कॉन्फिडेंस की कमी है? अजी महाराज, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस की कमी रहती है। बात करते हुए भी घबराते हैं, समझ में नहीं आता बात कैसे करें, लिखे कैसे एग्जामिनेशन के अंदर, याद है बट कॉन्फिडेंस नहीं है तो भूल जाते हैं। क्या आपको अपने बॉस, अपने उच्च अधिकारियों के सामने बोलने में झिझक होती है? अफसरों के सामने बोलने में झिझक होती है, मन की बात कह नहीं पाते हैं? यदि हाँ तो आज का गुड लक टिप्स है आपके काम का। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। अपने पूजा स्थान पर, अपने पूजा स्थान पर लाल आसन पर बैठ जाइए। हनुमान जी महाराज की तस्वीर पर गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण कीजिए। एक चमेली के तेल का दीपक प्रज्वलित कीजिए। एक चांदी के गिलास में अनार का रस भर कर रख दीजिए। अपने हाथ में 5 इलायची रख लीजिए। ओम सु महाबलाय नमः, ओम सु महाबलाय नमः, ओम सु महाबलाय नमः। हथेली में 5 इलायची और ओम सु महाबलाय नमः, ओम सु महाबलाय नमः। 15 मिनट तक इस मंत्र का जाप कीजिए। जाप के पश्चात आरती करें, हनुमान जी महाराज की पुष्पांजलि करें। अनार का जो रस आपने रखा था उसका सेवन कर लीजिएगा और वो जो इलायची है अपने पॉकेट में रख लीजिएगा। घर से निकलने से पहले 1 इलायची खाकर निकलिएगा, बाकी अपनी पॉकेट में रखिएगा। और जब भी बॉस से बात करनी हो, एग्जाम देना हो और भी कोई मीटिंग करनी हो तो इलायची मुंह में रखकर फिर बात कीजिएगा। क्या होगा? आपके कॉन्फिडेंस में जबरदस्त वृद्धि होगी, बोलने में आ रही झिझक खत्म होगी, भूलने की जो आपकी आदत है वो खत्म होगी और आपके बॉस, आपके उच्च अधिकारी, आपके अफसर रहेंगे आपके कहने में, आपके इंप्रेशन में। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। मुझे दीजिए इजाजत, तब तक खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल राजस्थान।